हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा ई क्लासरूम। हम लोग व्हेन टर्म कंटेनिंग आर इज प्रेजेंट इन न्यूमरेटर दैट मींस टाइप वन को डिस्कस कर रहे थे, और मैंने आपसे अभी कहा था कि आपको किस केस को यहाँ डिस्कस करना है। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले स्टार्ट करने वाले थे कि अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइंस अगर दिए गए हों तो उस केस में हम कैसे डीलिंग करेंगे। ठीक है, तो आप देखो कि आप क्या चाहते हो, किस केस की मैं बात कर रहा हूँ। जैसे आपके पास दिया गया है 1 × NC1, है ना, माइनस, है ना, 2 × NC2, फिर प्लस 3 × NC3, माइनस 4 × NC4, ऐसे केसेस की बात कर रहा हूं मैं। ठीक है, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है आपके। ठीक है, तो इनको पहले क्या काम करना होगा, हमें समेशन के फॉर्म में क्लब करना होगा। तो समेशन के फॉर्म में आपने क्लब किया तो क्या बना, -1, मतलब -1, चलो बाद में लिखेंगे। अपन देखते हैं पहले NC1, NC2, NC3, NC4 अपन स्टार्ट करेंगे NCR से, जहां R आपका 1 है। अब जरा देखिए एक चीज, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव आ रहा है ना, तो अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस कौन करेगा, -1 की पावर करेगी। -1 की पावर में क्या लगाऊं, तो थोड़ा सा यहां ध्यान दो, जब R इक्वल टू 1 रखते हो तो क्वांटिटी कैसी मिलती है, पॉजिटिव। ठीक है, ठीक है, R इक्वल टू 1 से क्वांटिटी पॉजिटिव मिलती है। तो सोचो जरा, अगर मैं -1 की पावर R लगा दूंगा तो R इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग कैसी क्वांटिटी मिल जाएगी, नेगेटिव। मुझे तो पॉजिटिव चाहिए, अगर पॉजिटिव चाहिए तो आप ये ऐड कर दीजिए। ठीक है भाई, आपने पहले ट्राई किया -1 की पावर R, उससे काम नहीं बना, तो आप माइनस प्लस को बैलेंस करने के लिए, उस साइन को एडजस्ट करने के लिए R+1 ट्राई कर लो, दोनों में से कोई एक होगा ही होगा, है ना। तो आपको करना था -1 R+1 NCR × R, है ना, ये आपको कैलकुलेट करना था। तो जरा समेशन देखिए आपका क्या बनेगा, समेशन ओवर -1 की पावर R+1 R × NCR को क्लब कर लेते हैं, कितना आ गया, N × N-1 CR-1, R आपका कहां से कहां तक वेरी करता है, 1 से N तक। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। ठीक, अब देखिए जरा इसका हुआ क्या इफेक्ट। अब अगर मैं लिखूं N, ठीक है, N तो कॉमन था, अब इसके टर्म्स अगर मैं लिखना शुरू करूं तो देखो क्या टर्म्स बनेंगी। R इक्वल टू 1 रखने से पहली बार बनेगा मेरा N-1 C0, है ना, N-1 C0, फिर R इक्वल टू आप जब 2 रखोगे तो N-1, है ना, R इक्वल टू 2 रखोगे तो यहां निगेटिव आएगा, फिर आपके पास आ जाएगा 1, फिर आपके पास जब आप R इक्वल टू 3 रखोगे तो प्लस साइन N-1 C2, ऐसे करके आपके पास टर्म्स बनती जाएंगी, और लास्ट में आपके पास क्या आएगा, अल्टरनेट ऐसे ही पॉजिटिव निगेटिव होते हुए लास्ट में आप देखो, जब आप N रखोगे R की जगह पे अपर लिमिट, तो आपके पास आएगा -1 की पावर N+1 × N-1 CN-1। ठीक है क्या, अब ये चीज क्या लिखी हुई है, ये n माइनस वन के रिस्पेक्ट में जितने भी बाइनोमियल टर्म्स हो सकते हैं सब लिखे हैं कि नहीं लिखे हैं, बाइनोमियल कोफिशिएंट्स लिखे हैं। अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव हाँ है, तो इसका सम क्या होता था, इसका रिजल्ट क्या बताया गया था, 0। इसका रिजल्ट 0 होता था कि नहीं होता था, कि अगर हमारे पास, हमने कहा था ना प्रॉपर्टी 4 के अंदर या प्रॉपर्टी 5 के अंदर जो हमने डील किया था, प्रॉपर्टी 5 के अंदर हमने लिखा था कि अगर हमारे पास ऐसे अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन सारे प्रेजेंट हो, सारे टर्म्स प्रेजेंट हो, ठीक है, तो उनका रिजल्टेंट कितना आएगा, 0 आएगा। तो इसका मतलब ये वैल्यू आपकी 0 है, आंसर आपका कितना है, 0। तो इसका आंसर कितना हो गया, 0 के बराबर। ठीक है, ओके, तो समेशन -1 की पावर R+1, ठीक है, R × NCR इज कमिंग आउट एज 0। आप सोचो अगर एक यहां पे -1 की पावर R में -1 एक बाहर भी निकाल लूं, एक -1 बाहर निकाल लूं, तो भी क्या बचेगा, -1 की पावर R × NCR। भाई ऐसा सोचो ना, ये चीज लिखी हुई है ना, एक -1 को बाहर ले लो तो क्या बनाएगा, ये तो आपको याद रखना ही है। आप इसमें से सोचो, एक -1 को आपने बाहर ले लिया तो बचा क्या आपके पास, -1 की पावर R × NCR। ठीक है, यही लिखा हुआ है ये, तो ये माइनस साइन तो क्या ही इफेक्ट कर रहा है, इसका मतलब ये वाली चीज भी आपकी कितनी है, 0 के बराबर है। ठीक है, ये वाली चीज भी आपकी 0 के बराबर थी। ठीक है, फिर इसी तरीके से आप देखो, -1 की पावर R × R-1 NCR रहे तो क्या होगा, फिर से आप यही दो बार ये फॉर्मूला यूज करोगे। ठीक है, ठीक है, पिछली बार तो क्या था, R into NCR था, एक बार आपने फॉर्मूला यूज कर लिया था, यहां आप दो बार करोगे, कितना आएगा उससे,
आर इक्वल टू, फिर से वही आर इक्वल टू मान लीजिए 1 से n तक की चीजें दी गई हूं, ठीक है। ऑल दो 1 अगेन 1 और 0 आपके काम का नहीं है, काम की टर्म्स आपकी कहां से स्टार्ट होंगी, r इक्वल टू 2 से स्टार्ट होंगी, ठीक है। तो रिलेवेंट टर्म आपकी r इक्वल टू 2 से स्टार्ट होंगी और लास्ट टर्म में आपके पास n सी n तक जाना चाहिए था, वो टर्म बन रही है। तो सारी रिलेवेंट टर्म्स आपकी प्रेजेंट है। रिलेवेंट टर्म्स का मतलब क्या है कि r इक्वल टू मिनिमम कहां से स्टार्ट होना चाहिए था, 2 से है, और वहां से लेके हर एक टर्म बन रही है कहां तक, लास्ट में क्या आना चाहिए था, एन सी एन, वो भी क्रिएट हो जा रहा है। तो सारे रिलेवेंट टर्म आपके पॉसिबल हैं, यहां पे अवेलेबल हैं, ठीक है। तो इनका सम करने के लिए देखिए आर इक्वल टू 1 से एन, देखो जरा माइनस 1 की पावर आर, दो बार अप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, आर समेशन नहीं अप्लाई कर रहे हैं अभी, है ना, तो एन आएगा, एन माइनस 1 आएगा और एन माइनस 2 सी आर माइनस 2 हो जाएगा, होगा ओके। तो यहां से n इंटू एन माइनस 1 आपका कॉमन निकल गया, n और n माइनस 1 आपके बाहर, समेशन ओवर r इक्वल टू 1 से n, ठीक है। बचा क्या आपके पास, माइनस 1 की पावर r और n माइनस 2 सी आर माइनस 2। अब जरा इसको भी एक्सपेंड करके देख लो, ये भी क्या लिखा हुआ है, n n माइनस 1 और ये तो क्या है, एक्सपेंड करोगे तो 2 के करेस्पॉन्डिंग पहली बार काम की टर्म मिलेगी तुम्हें, n माइनस 2, r को 2 रखा तो ये पॉजिटिव, n माइनस 2 सी 0 माइनस, ठीक है, n माइनस 2 सी 1 प्लस n माइनस 2 सी 2, ऐसे करके अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव बनते गए और लास्ट में आप जब n रखोगे तो यहां n माइनस 2 बन जाएगा। तो मतलब आपकी आखिरी टर्म जो थी वो भी जो है रिलीवेंट थी, और सारे टर्म्स, इनफैक्ट सारे रिलीवेंट टर्म्स, मतलब n माइनस 2 पे इसको एंड होना चाहिए था, तो n माइनस 2 भी प्रेजेंट है और पहली काम की टर्म सी जीरो वो भी प्रेजेंट है। तो सारे टर्म्स आपके प्रेजेंट हैं, अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है, ये भी क्या रिजल्ट देगा, जीरो, इसलिए ये भी कितना आएगा, जीरो के बराबर आएगा, ठीक है। तो ये दो चीजें हमने यहां डेवलप कर ली, इनसे हम ये भी कह सकते हैं कि इनको, इसको और इसको अगर आप ऐड कर दो, है ना, ठीक है, इन दोनों को अगर आप ऐड कर दो तो क्या बनेगा, माइनस 1 की पावर r आपका कॉमन, r इंटू एनसीआर और r इंटू r माइनस 1 एनसीआर, अगर ऐड कर दो तो क्या बना लोगे, r स्क्वायर इंटू एनसीआर, तो ये भी जीरो था, ये भी जीरो था, इनको भी ऐड कर लोगे तो क्या बना लोगे, जीरो, ठीक है। तो ये भी आंसर आपका जीरो होगा, प्रोवाइडेड आर आपके सारे पॉसिबल टर्म्स ले रहा हो, ठीक है। रिलीवेंट टर्म्स पे ध्यान दो इस टॉपिक के अंदर, कि रिलीवेंट टर्म्स आपकी सारी प्रेजेंट है या नहीं है, क्योंकि एक भी मिस हो गई तो पूरा आंसर गलत हो जाएगा। कैलकुलेशन वैसे ही है, समय तो लगेगा ठीक ठाक, लेकिन आप आंसर गलत कर दोगे अगर आपने गलती से भी रिलीवेंट टर्म्स पे फोकस नहीं किया। तो इससे रिलेटेड अपन क्वेश्चन लेते हैं, है ना, 3 into 10, 20 C0 minus 10 into 20 C1, 17 into 20 C2, है ना, ये सारी टर्म्स आपके पास लिखी हुई है और इनको क्लब करके आपको सम बताना है। सबसे पहले क्या किया, क्या ऑब्जर्व किया, पॉजिटिव नेगेटिव है, ठीक है। तो जो समेशन लिखोगे आप, समेशन में आपके पास माइनस 1 की पावर r बनेगा। अब देखो उससे काम चल जाएगा क्या, तो देखो आप 20 CR लिखने वाले हो, है ना, पहले मैं वही लिख लेता हूँ, 20 CR लिखने वाले हो, तो जब r आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, इसको भी बाद में लिखो, 20 cr पहले लिख लिया, ठीक है, 20 cr, r आप कहां से स्टार्ट कर रहे हो, जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, कहां तक ले जाओगे, 20 तक ले जाओगे, है ना, ऐसा है। तो r इक्वल टू जीरो से जब आप कहानी स्टार्ट कर रहे हो और आपको माइनस 1 की पावर कुछ लगानी है जिससे कि आपका पॉजिटिव निगेटिव वाला स्कीम जो है वो बैलेंस हो जाए, तो देखो जब r को जीरो रखते हो, ठीक है, मान लो यहां पे मैंने ट्राई किया इसको, ठीक है, तो r को जीरो रखते हो तो माइनस 1 की पावर जीरो पॉजिटिव आ गई, 1 रखोगे नेगेटिव आएगा, तो आपको दिख रहा है क्या, जीरो वाली चीज पॉजिटिव है, 1 वाली चीज नेगेटिव है, इसका मतलब मेरा काम चल गया। अगर ये नहीं चला होता तो मैं r की जगह r प्लस 1 लिख लेता, उससे काम बन जाता। इनटू, अब देखिए आप 3 10 17 इन सबको देखना था, तो 3 10 17 सब क्या फॉलो कर रहे हैं, ap फॉलो कर रहे हैं, जिसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 7 है, तो आप आंख बंद करके 7r लिख दीजिए, ठीक है। अब जब आप r को जीरो रखते थे तो आंसर कितना आना चाहिए था, यहां 3 आना चाहिए था, तो 7r तो जीरो ही देगा, 3 कौन लाएगा, प्लस 3, ठीक है। तो आपके पास कितना आया, आपके पास आया समेशन ओवर माइनस 1 की पावर r, 7 को आप बाहर निकाल लो, ठीक है, तो r इंटू 20 सी आर प्लस 3 बाहर निकाल लो, समेशन ओवर माइनस 1 की पावर r 20 सी आर, r इज इक्वल टू कितना है, 0 से 20, r इज इक्वल टू कितना है, 0 से 20, ठीक है। अब यहां से देखिए क्या हुआ, अब देखो
आप चाहो तो इसको एक आधे स्टेप्स और लिख सकते हो, आप चाहो तो चेक कर लो कि क्या मेरे पास सारी रिलेवेंट टर्म्स प्रेजेंट हैं। अगर सारी रिलेवेंट टर्म्स प्रेजेंट हैं तो मेरा आंसर जीरो आ जाएगा, अभी निकाला था ना हमने। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या था, सारी रिलेवेंट टर्म्स आपकी प्रेजेंट होनी चाहिए। तो अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव साइन है। आर इक्वल टू, पहली बार काम की टर्म कहां से शुरू होगी, वन से। तो आर इक्वल टू वन है क्या, हाँ है। वन से लेकर के लास्ट काम की टर्म कहां होगी, 20C20, मतलब आर इक्वल टू 20 के करेस्पॉन्डिंग है, हाँ है। तो पहले से लेके आखिरी तक के सारे रिलीवेंट टर्म इस केस के करेस्पॉन्ड, इस समेशन के करेस्पॉन्डिंग प्रेजेंट हैं। तो इसका मतलब ये सीधा आप लिख सकते हो 7 × 0, ठीक है। नॉन जीरो आंसर क्यों आ सकता है, नॉन जीरो आंसर तभी आएगा जब आपकी कोई टर्म मिसिंग हो। जब टर्म मिसिंग होगी तो वो आपका कुछ अलग से बन जाएगा, जब तक टर्म्स हैं तब तक तो सब कट फिट जा रहे हैं ना, ठीक है। फिर प्लस देखिए, प्लस देखिए, प्लस वाले साइड में 3 × अब यहां पे देखो पहली काम की टर्म आपकी कहां से आती, आर इक्वल टू जीरो से आती है ना। तो आर इक्वल टू जीरो से लेकर आखिरी काम की टर्म कौन सी होती, 20C20, मतलब आर इक्वल टू 20 होता। तो आर इक्वल टू जीरो से 20 तक की हर एक टर्म चाहिए थी, है आपके पास तो है, तो इसका मतलब ये भी जीरो है, आंसर आपका जीरो के बराबर हो जाना चाहिए, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन ट्राई कर रहे हैं, थोड़ा सा वेरिएशन किया गया है, आप खुद से पहले इसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेप अपन क्या करेंगे, यहाँ पे समेशन के फॉर्म में लिखेंगे, और सॉरी ये आपका मतलब ऐसे करके आपके सारे पॉसिबल टर्म्स यहाँ पे इंक्लूडेड, ठीक है। तो पहले इसको समेशन फॉर्म में लिखा, समेशन ओवर कितना हो जाएगा, समेशन ओवर आप देखो 30 CR है ना, आर इक्वल टू जीरो से स्टार्ट हो रहा है, यहाँ इसको आर मान लिया हमने, आर आपका जीरो से स्टार्ट हो रहा है, लास्ट में कहाँ तक जाएगा, 30 तक जाएगा, ठीक है। 30 CR के साथ देखो 5 की पावर कैसे वेरी कर रही है, 5 की पावर में देखो 100, 98, 96 क्या चल रहा है, -2 की एक एपी चल रही है ना, -2 कॉमन डिफरेंस वाली एक एपी चल रही है। तो अपन कैसे लिखेंगे, -2 कॉमन डिफरेंस है तो -2R लिख दो, ठीक है। फिर देखो एडजस्टमेंट करने का, तो जब R इक्वल टू जीरो है तो आपको चाहिए हाँ 100, तो R इक्वल टू जीरो है तो ये आपका जीरो हो गया, इसमें आप 100 और ऐड कर लो, ठीक है, इनटू 3 की पावर्स देखें, तो आप देखिए 3 की पावर्स में आपके पास यहाँ जीरो है, फिर 3 है, फिर 6 है, फिर 9 है, तो एक तरीके से आपका है, तो आपका 3 की एक एपी, 3 कॉमन डिफरेंस की एक एपी चल रही है, तो 3R आ गया। अब एडजस्टमेंट अभी बचा हुआ है, एडजस्टमेंट के लिए R इक्वल टू जीरो रखोगे तो पहली टर्म बननी चाहिए, कितना आ रही है 3 की पावर 0 वहाँ भी है, सेकंड टर्म मतलब R इक्वल टू 1 रखोगे तो 3 की पावर 3, थर्ड टर्म 3 की पावर 6 आर करस्पॉन्डिंग टू R इक्वल टू 2 बन रहा है ना, तो इसका मतलब ये ऑलरेडी एडजस्टेड है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। अल्टरनेट पॉजिटिव निगेटिव होता है तो ट्राई करो पहले -1 की पावर R से, है ना, तो -1 की पावर R रख दिया, काम बन रहा है क्या, तो हाँ, R इक्वल टू जीरो पे पहली टर्म बनेगी जो कि पॉजिटिव होगी, है, R इक्वल टू 1 पे दूसरी टर्म मतलब नेगेटिव है, ठीक है। तो आपके पास ये पैटर्न इससे बन गया, ठीक है, तो ये आप समेशन फॉर्म में अपने एस्टेब्लिश कर लिया, ठीक है। अब आप देखो, अब यहाँ पे आपका 30 CR 5 की पावर -2R प्लस 100 और 3 raised to power 3R है, ठीक है। अब इसमें आप क्या कर सकते हो, अब थोड़ा सा इसको अपन बाइनोमियल के तरीके से समझें, बाइनोमियल के तरीके से आप देखिए समेशन ओवर -1 की पावर R, ठीक है, इसमें कोई आर सी आर इस तरीके की चीजें तो है नहीं, आर इंटू एन सी आर टाइप की ऐसी चीज तो है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सिंपल 30 CR, ठीक है, 5 की पावर 100 को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो 5 की पावर 100 आपकी यहाँ पे आ गई, ओके, 5 की पावर -2R आपका अंदर बचा रहेगा, और 3³ की पावर R इसको मैं लिख लेता हूँ 27 raised to power R, ठीक है, और इसको भी क्या लिखा जा सकता है, 5 की पावर -2R को 1/25 की पावर R, ठीक है, सबको क्लब कर लिया, तो बेसिकली ये लिखा क्या हुआ था, 5 raised to power 100, R इज वेरिंग फ्रॉम 0 to 30, 30 CR इंटू 27/25 raised to power R, है ना, NCR X की पावर R, ठीक है, अच्छा -1 तो भूल ही गए अपन, -1 की पावर R भी है, तो ये कहां बनेगा, आप देखो -1 की पावर R NCR X की पावर R, ये आपका स्टैंडर्ड वाला फॉर्म हो गया ना बाइनोमियल थ्योरम का, कौन सा वाला, 1 - x, ठीक है। आप देखो -1 को अगर मैं अंदर भेज दूं तो ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, तो NCR X की पावर R का समेशन मतलब क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था आपका 5 की पावर 100 इंटू 1, x आपका क्या है -27/25 है,
और रेस टू पावर कितना हो जाएगा 30 अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट हो तो देखिए आप सबसे पहले टर्म आपको क्या चाहिए, हाँ जीरो चाहिए तो हाँ है, सबसे लास्ट वाली टर्म क्या चाहिए 30C30 वो भी है, तो सारी चीजें आपकी अवेलेबल हैं, इसका मतलब ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए बस, 5 raised to power 100 into -2/25 ऐसा है ना, तो -2/25 raised to power 30, अब इसको फर्दर 5 की पावर 60 लिख लेना है ना, तो ये आपका इस तरीके से सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे क्या था, आपको अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन थे, जो आप सम कर रहे हो वो क्या है बेसिकली NCR x की पावर R इस तरीके का ही था, तो वो कहां से जनरेट होता है 1 plus x की पावर n से, लेकिन ऐसे ही नहीं लिख देंगे, क्रॉस चेक करेंगे कि क्या वहां पे सारे पॉसिबल टर्म्स अवेलेबल हैं या नहीं है, अगर कुछ नहीं अवेलेबल रहता तो हमें सब्ट्रैक्ट करके भी लिखना पड़ता, ठीक है। तो चलिए ठीक था, यहाँ R इक्वल टू 0 से लेके 30 तक के सारे टर्म्स अवेलेबल थे, यही हमें यहाँ पे चाहिए भी R के लिए, तो इसलिए हमने कहा कि ये आपका कंप्लीटली अवेलेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं, अब जैसे पिछला क्वेश्चन जो किया था वो तो जो हम कर रहे हैं अभी जो टाइप डील कर रहे हैं उससे तो रिलेटेड नहीं था, अब वापस से जो पिछला जैसे सॉल्व किया है उसको भी हम अपना जो टाइप वन का भी मतलब डिस्कशन कर रहे हैं उसके साथ क्लब करके देखते हैं इस क्वेश्चन में, ठीक है। तो ट्राई कीजिए आप लोग पहले खुद से इस क्वेश्चन को, है ना। तो इसको मैं लिखता हूँ समेशन फॉर्म में सबसे पहले, तो आर आपका कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस बार 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आर इक्वल टू 1 से, ठीक है, देखिए क्योंकि यहां से आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो 50 CR आपने लिख दिया, ठीक, R इक्वल टू आपका 1 से लेके कहां तक जा रहा है, 50 तक जा रहा है ना, मैक्सिमम तो 50 तक है ही आगे पॉसिबल टर्म्स, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, आगे हमसे क्या कहा जा रहा था, ये 1 फिर 4 फिर से अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव है वो तो एडजस्ट कर लेंगे बाद में, 1 4 7 10 ये सब चल रहे थे, तो 1 4 7 10 का मतलब क्या है, 3 कॉमन डिफरेंस वाली ये KP, और 3 कॉमन डिफरेंस का मतलब है 3R आपने लिख दिया, ठीक है। जब आपका R 1 था तो आपको यहाँ पे कितना चाहिए था 1, ठीक है, तो आप देखो R इक्वल टू 1 के करस्पॉन्डिंग है तो 3 हो जा रहा है, एडजस्ट करने के लिए आपने -2 कर दिया, ठीक है, हो गई एडजस्टमेंट। 5 की पावर्स देखते हैं, 5 की पावर्स कैसे वेरी कर रही हैं, तो 5 की पावर 0 था, 5 की पावर 2, 5 की पावर 4, ठीक है, ठीक है। तो 5 की पावर्स में भी एक 2 की एपी चल रही है ना, 5 की पावर्स में 2 की एपी चल रही है, तो 2R लिखते लेकिन अभी एडजस्टमेंट बचा हुआ है, तो R इक्वल टू 1 पे देखा मैंने कि 2 बनना चाहिए था, 5 की पावर 2R मतलब 5 की पावर 2 बनना चाहिए था, लेकिन है कितना 0, तो -2 कर लीजिए आप, ठीक है। तो 50 CR into 3R minus 2 into 5 raised to power 2R minus 2, ये आपका समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हुआ, ऑल दो अभी माइनस वाली चीज तो बची ही है, तो -1 की पावर में आपने R डाल के ट्राई किया है ना, तो मान लो -1 की पावर में आपने R रखा, तो देखो क्या हुआ, R इक्वल टू 1 रखने पे ये टर्म कैसी बनेगी, नेगेटिव, वहां पे कैसी है R इक्वल टू 1 के करेस्पॉन्डिंग जो टर्म है पॉजिटिव, तो आप क्या करिए R से नहीं काम बना, R प्लस 1 लगा दीजिए, ठीक है, ये अब आपका समेशन के फॉर्म में क्लब होकर के आ गया है, ठीक है। अब आपको दिख भी रहा है कि R वगैरह भी मल्टीप्लिकेशन में प्रेजेंट है, मतलब R इंटू NCR वाली चीज यूज करने के लिए हमारे पास प्रॉपर अरेंजमेंट है, लेकिन और भी बहुत सारी चीजें, तो देखते हैं कि करके यहां देखिए क्या आ रहा है। मैंने क्या किया, मैंने ऐसे देखा कि समेशन ओवर 50 CR, ठीक है, 3R minus 2, तो मैंने 3R है ना, और इंटू 5 की पावर 2R minus 2, ठीक है, -1 की पावर R plus 1, ठीक, इसको अलग करो, और माइनस 2 वाली चीज अभी बची हुई थी, यहां 3R लिख दिया था ना, 2 वाली चीज बची हुई थी, तो 2 समेशन R इक्वल टू 1 से 50 कितना बचेगा, 50 CR है ना, 50 CR इंटू 5 की पावर 2R minus 2 और -1 की पावर R plus 1, ठीक है। तो ये आपकी कैलकुलेशन करनी है आपको, R कहां से कहां तक है, 1 से लेके 50 तक है, ओके, ठीक है इतना। अब इस पार्ट की बात करें तो इस पार्ट में आपका कोई R into वगैरह में नहीं है ना, R कोई मल्टीप्लिकेशन वगैरह में नहीं है, तो इस पार्ट को हम लास्ट क्वेश्चन के जैसे ट्रीट कर सकते हैं, तो इस पार्ट की अगर हम केवल बात करें इसको अपन बाद में कर लेंगे है ना, पहले मेन इस पे फोकस करते हैं। तो इस पे आप तो क्या आएगा, इसमें आप देखो R है इंटू ये भी है, तो 3 को तो पहले मैंने बाहर कर लिया, ठीक है,
थ्री आपने बाहर कर लिया, तो थ्री इंटू समेशन ओवर आर इंटू 50 सी आर विल क्रिएट 50 इंटू 49 सी आर माइनस वन, फाइव रेज टू पावर टू आर माइनस टू, माइनस वन रेज टू पावर आर प्लस वन, आर आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 50, ये 50 आप कांस्टेंट बाहर निकाल लो तो आपका कितना आ जाएगा 150, 150 इंटू समेशन इतना माइनस ये जो भी है ये है ही, ठीक है शुरू करने क्या इसका भी काम कुछ कर ही लेते हैं। चलो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, समेशन ओवर इतना है, ठीक है तो आप क्या चाहते हो, आप थोड़ा सा इसको मैनिपुलेट करो, 50 सी आर आपको चाहिए होगा कि इधर 5 की पावर मतलब इधर जो भी टर्म है उसकी पावर में क्या रहे, आर रहे, तो आप क्या करोगे पहले 5 की पावर माइनस टू, ये तो कॉन्स्टेंट है बाहर निकालने है ना, मतलब 5 की पावर माइनस टू कितना हो गया 1/25 है ना, और ये माइनस वन की पावर में भी आर रख लेते हैं, तो एक माइनस वन इसमें से निकाल लो और एक माइनस मतलब 5 की पावर माइनस टू इसमें से निकाल लो, ठीक है तो कितना निकाल लिया तुमने 5 की पावर माइनस टू मतलब 1/25 और माइनस वन, तो माइनस 1/25 आपने बाहर निकाल लिया, ठीक ठीक है इतनी बात। इसको अपन कैसे लिख दें, इसको अपन लिख लेते हैं आपको यहां आर यहां भी आर यहां भी आर, सब आर ही चाहिए ना, मतलब इसको क्लब कर सकते हैं हम इसलिए कह रहे हैं, अदरवाइज आपको एन माइनस आर बनाना पड़ेगा, वो सब की जरूरत तो है नहीं यहां पे। अगर आप इसको सिंपल सी बात है 25 लिख लो, इसको आप लिख लो 25 की पावर आर, आप एक लाइन एक्स्ट्रा बढ़ा के लिखना वरना आप सीधा यहां से यहां लिखो कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है तो 25 की पावर आर लिख लो और ये माइनस वन की पावर आर है, ठीक है अब इन दोनों को मैंने क्लब कर लिया, तो इन दोनों को जब मैंने क्लब किया तो क्या बन गया माइनस 25 की पावर आर, आर कहां से कहां तक है, आर आपका है 1 से लेके 50 तक, ठीक है तो प्लस आपके पास बचेगा 2/25 इंटू एनसीआर एक्स की पावर आर, एनसीआर एक्स की पावर आर मतलब 1 प्लस एक्स, एक्स कितना है आपका माइनस 25 रेज टू पावर 50, कब होगा जब सारे टर्म्स प्रेजेंट हो, क्या कोई टर्म अब्सेंट है, तो देखें आपको कहानी शुरू करनी चाहिए थी यहां 50 सी 0 से और जाना चाहिए था 50 सी 50 तक, लेकिन 50 सी 50 तो है 50 सी 1 से आपकी कहानी स्टार्ट हुई है, मतलब r इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग जो एक टर्म होगी वो आपकी मिसिंग है, ठीक है तो r इक्वल टू 0 के करेस्पॉन्डिंग टर्म जो होगी उसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, कितनी होगी वो 50 सी 0 माइनस 25 की पावर 0 यही होगी, ठीक है इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, ठीक है ओके तो ये आपका एक्सप्रेशन बन जाएगा कि 2/25 और इंटू 24 रेज टू पावर 50 माइनस 50 सी 0 मतलब 1 है और 1 इंटू माइनस 1 सॉरी 1 इंटू 1 ठीक है 1 इंटू 1 माइनस 25 की पावर 0 मतलब 1 ही होगा ना तो 1 इंटू 1 ये इधर की कहानी खत्म। अब अपन आते हैं इस पार्ट पे, इस पार्ट में देखिए अब आप इस पार्ट में भी R से फ्री हो चुके हैं तो अब आप क्या चाहेंगे 150 है यहां R इक्वल टू 1 से 50 तक है ठीक है। अब देखो आप 49 के साथ क्या लिखा है R माइनस 1 लिखा है ठीक है। अब इसका मतलब आप क्या चाहोगे समथिंग की पावर में R माइनस 1 हो, क्या ये पॉसिबल है तो हाँ है। कैसे 5 में अगर अपन 25 लिख दें 5 की जगह पर 25 तो R माइनस 1 बन गया ये चाहिए था। माइनस 1 की पावर R प्लस 1 अगर देखें तो इसको कैसे लिख सकते हैं हम, इसको हम माइनस 1 की पावर R माइनस 1 और इंटू माइनस 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। माइनस 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 ही होगा ठीक है। तो 150 समेशन ओवर R इक्वल टू 1 से 50 यहां पे आपका आ गया 49 सी आर माइनस 1 माइनस 25 रेज टू पावर R माइनस 1 ठीक है। तो आपका ये कितना आया 150 तो ठीक था। यहां से देखिए आप ये क्या लिखा है NC R माइनस 1 और X की पावर R माइनस 1 ये दोनों सेम है तो अपन क्या लिख देंगे 1 माइनस 25 रेज टू पावर 49 ठीक है 1 प्लस X की पावर 49। क्या कोई टर्म मिसिंग है तो जाइए देखते हैं कहानी कहां से स्टार्ट होनी चाहिए थी R इक्वल टू 1 से। यहां 0 बनाने के लिए R इक्वल टू 1 से आना पड़ेगा R इक्वल टू 1 है। R इक्वल टू कितने तक जा सकते हैं 50 तक जा सकते हैं उस समय यहाँ 49 हो जाएगा तो R इक्वल टू 1 से 50 तक की सारी टर्म्स एक्चुअली अवेलेबल हैं इसलिए हमें यहाँ कुछ सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। जैसे वहां जरूरत पड़ी वैसे यहाँ जरूरत नहीं है तो आपका ये पोर्शन आ जाएगा और दूसरा उधर कितना आ रहा है 2/25 इंटू 24 रेज टू पावर 50 माइनस 1
ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको पेशेंस रखना होता है, पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह ये सब चीजों पे ध्यान देना होता है, आप आंसर निकाल सकते हो, चीजें कुछ बहुत ज्यादा नहीं है, थोड़ी सी कैलकुलेटिव है। नेक्स्ट देखते हैं अपन टाइप टू। अब अभी तक क्या था, अभी तक आपका जो समेशन आप लिखते थे तो आर आपका मल्टीप्लीकेशन में प्रेजेंट होता था या फिर कहें न्यूमरेटर में प्रेजेंट होता था। अब बात की जा रही है जब टर्म कंटेनिंग आर इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर। ठीक है, टर्म कंटेनिंग आर इज प्रेजेंट इन डिनोमिनेटर, तो इस समय मेथड क्या होंगे, तो दो मेथड्स यूज होंगे। ठीक है, मेथड वन यूज दूसरा वाला जो लास्ट टाइम आपने फॉर्मूला लिखा आर इंटू एनसीआर, उसका काउंटर पार्ट वहीं से एक और हमने फॉर्मूला डिराइव किया था अगर आपको याद हो, तो एनसीआर अपॉन आर प्लस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। क्या होता था, एनसीआर और आर प्लस वन, अगर इन दोनों के बीच वन का गैप है तो आप ऊपर वाली चीज में वन वन ऐड कर दीजिए और नीचे आप अपर सबस्क्रिप्ट को रख दीजिए। ठीक है, ये हो जाता था। और दूसरा मेथड होता है एक और, वो होता है आपका यूजिंग इंटीग्रेशन। ठीक है, इंटीग्रेशन हर बार यूज करना ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है, जनरली हम अगर इससे भी करें तो ज्यादा ठीक है ना, अलजेब्रिकली करने का ट्राई कर सकते हैं और इंटीग्रेशन से भी अपन कर सकते हैं। ठीक है, रिपीटर वाले बच्चों के लिए तब तो ठीक है, रिपीटर वाले बच्चे जो हैं वो इसको आप आसानी से समझ सकते हो, इंटीग्रेशन वाला जो मेथड है डेफिनेट इंटीग्रेशन का हम यूज करेंगे और मैं आपको इंटीग्रेशन किसका करना है वहां तक की एक्सप्रेशन निकाल करके दे दूंगा। इलेवेंथ वाले लोग इंटीग्रेशन वहीं तक समझेंगे, इसके आगे का जो स्टेप है मैं रिपीटर वाले बच्चों के लिए बता दूंगा कि आपको आगे किस तरीके का सब्स्टिट्यूशन करना है, क्या मेथड अप्लाई करने हैं आगे इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए। ठीक है, क्योंकि वो वाले स्टेप सभी इलेवेंथ में आपको एक्सप्लेन नहीं किए जाते, इसलिए आप इंटीग्रेशन का वो वाला स्टेप आप छोड़ देंगे। इंटीग्रेशन आप क्रिएट करेंगे, सारा लॉजिक देखेंगे, इंटीग्रेशन आप क्रिएट करेंगे कि हाँ भाई इस टर्म को इंटीग्रेट करना था, लेकिन इसका इंटीग्रेशन आएगा कितना वो वाला पार्ट 11th वाले बच्चे अभी के लिए स्किप कर दें। ठीक है, तो दो मेथड्स हैं आपके पास, एक है यूज एनसीआर अपॉन आर प्लस वन। अच्छा, ये भी है जहां ये एप्लीकेबल, मतलब जहां ये एप्लीकेबल होगा वहां इससे भी काम चल जाएगा, लेकिन कुछ ऐसे क्वेश्चंस होंगे जिनमें आपको इंटीग्रेशन ही करना पड़ेगा, उसमें आपके पास फिर इसको यूज करने की चॉइस नहीं रहेगी। कब होगा ऐसा, आइए देखेंगे एग्जांपल्स के थ्रू। ठीक है, तो पहले अपन एक सिंपल सा क्वेश्चन लेते हैं, समझते हैं पहले कि आपको किस तरीके से इस फॉर्मूले को यूज करना है। स्टार्टिंग में हम इसी फॉर्मूले से रिलेटेड क्वेश्चन लेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर वन है आपका 25C1 अपॉन 2 प्लस 25C2 अपॉन 2 सॉरी 3 25C3 अपॉन 4 है ना, 25C4 अपॉन 5 और अप टू मान लीजिए दिया गया 25C25 अपॉन 26, मान लीजिए ये आपको क्लब करना था। ठीक है, ओके, तो अगर आप इसको समेशन के फॉर्म में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे आप, NCR अपॉन आपको दिख रहा है R प्लस 1, लेकिन आपका R कहां से स्टार्ट हुआ है, 1 से, और कहां तक गया है 25 तक, दिख रहा है R इक्वल टू 1 से R इक्वल टू 25 तक है ना, तो आपके पास ये टर्म बनी है। अब ये सीधा फॉर्मूले वाली टर्म बन गई, खुश हो गए अपन, लिख दिया इसका आंसर कि भाई इसके लिए तो बताया गया था कि इसको अपन ऐसा कन्वर्ट कर लें, एन प्लस वन सी आर प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। ठीक है, ये बात ठीक थी। आर आपका कहां से कहां तक वेरी कर रहा है, 1 से 25 तक है ना। अच्छा, एन कितना है, 25 है, तो वो भी आप रिप्लेस कर सकते हो। ठीक है, यू कैन राइट इट डाउन एज 25 CR, सो आप क्या करोगे इसमें 1 1 ऐड कर दोगे, तो ये हो जाएगा आपका 26 CR प्लस 1 और अपर सबस्क्रिप्ट को आपने नीचे उतार दिया, यही हो गया। 26 आपका डिनोमिनेटर में कांस्टेंट कॉमन निकाल दो बाहर, R इक्वल टू 1 से 25 बचा आपके पास 26 CR प्लस 1। ठीक है, ठीक है, यहां पे अब यहां पे देखिए क्या हो रहा है, अब आप देखो क्या क्या टर्म्स बन रही है। 26 अगर मैं इसको क्लब करके लिखने की कोशिश करूं तो देखो जरा, 26C R इक्वल टू 1 रखोगे तो 2 से स्टार्ट होगी ना कहानी आपकी, प्लस 26C3 और ऐसे करते करते 25 रखोगे तो आपके पास आएगा 26C26। लेकिन क्या हुआ कि आप 2 रेज टू पावर 26 नहीं लिख सकते, क्योंकि आपके पास कुछ टर्म्स मिसिंग हो गई। कौन सी, 26C0 और C1 अगर रहते तो आप लिख देते कि सारे बाइनोमियल कोफिशिएंट्स जो पॉसिबल थे वो प्रेजेंट है, इसलिए उनका सम क्या होगा, 2 रेज टू पावर 26 होगा। लेकिन यहां पे क्या हुआ कि 2 रेज टू पावर 26 तो हो जाता, लेकिन कौन कौन नहीं है, 26C0 और 26C1 ये दोनों प्रेजेंट नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो गया, 1/26 × 2^26 - ये आपका 1 और ये आपका 26 मतलब 27।
ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आप देखिए, आपके पास ये एक्सप्रेशन है और इसके लिए आपको सम फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले इसको समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया, क्या आएगा? 40 CR अपॉन, देखें R+2 है ना। आर कहां से कहां तक वेरी कर रहा है? जीरो से स्टार्ट हुआ है और कहां तक जा रहा है? 39 तक। ठीक ठीक है इतनी बात। अब आप देखो, अभी फिर से वही सिचुएशन कि आपके पास R है, नीचे R+2 है, R+1 है नहीं। तो क्या बताया था मैंने बाइनोमियल कोफिशिएंट्स की प्रॉपर्टीज बताते वक्त, कि ऐसे में R+1 आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर लो, तो आपके पास क्या बन जाएगा? आपके पास बन जाएगा R=0 से 39 40 CR अपॉन R+1 इंटू R+1 और R+2। ठीक है, थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं फॉर्मूले वॉर्मूले लगा के। तो क्या बन रहा है? R=0 से 39 40 CR अपॉन R+1 को क्या लिखोगे? ऊपर वाली चीज में एक एक ऐड कर लो और नीचे आप अपर सब्सक्रिप्ट उतार दो। ओके ठीक है, और आपके पास क्या बचा है? R+1 अभी है ही और R+2 भी है। ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए अगर मैं 1/41 में बाहर निकाल लूं और इसके ऊपर फोकस करूं इतना, तो फिर से R+1 और इसमें 1 का गैप है, 1 मतलब एड ही हो रहा है। ऐसा नहीं R+1 नीचे R लिखा है तो भी कर दिया, ऐसा नहीं। R+1 नीचे R+2 है, ठीक है, एक इससे ज्यादा है डिनोमिनेटर। ठीक है, तो आपका ऐसे में आंसर क्या आएगा? 1/41 समेशन R=0 से 39, इस R+1 को मैं इधर रख लेता हूं और इनटू मेरे पास ये जो टर्म्स मैंने ऐसे कवर कर रखी है, इसका आउटकम क्या आएगा? आप न्यूमरेटर में 1-1 ऐड कर दोगे तो आपके पास आ जाएगा 42 CR+2 और नीचे आपके पास आ जाएगा अपर सब्सक्रिप्ट 42, है ना, अपर सब्सक्रिप्ट 42, ये आ गया आपका। ठीक है इतनी बात। अब इसको सम करना है, तो आप देखो 42 भी एक कांस्टेंट है, तो दिस कम्स आउट एज 1/41 इनटू 1/42 समेशन R=0 to 39, हियर इट इज R+1 एंड इनटू 42 CR+2। ठीक है, ये क्या हुआ? अब डिनोमिनेटर तो R हट गया लेकिन न्यूमरेटर में लग गया, तो अब न्यूमरेटर वाला तो टाइप 1 हम पहले ही कर चुके हैं ना, उसमें क्या दिक्कत है? उसमें तो बस इतना ही चाहिए ना, R+2 है तो यहां भी R+2, तो आप कर दो इसको। नेक्स्ट स्टेप में मैंने लिखा कि आई कैन राइट इट डाउन एज 1/41 × 42 समेशन R=0 से 39 R+2 - 1। ठीक है, 42 CR+2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? समेशन R=0 से 39। ठीक है, इधर आप देखिए R+2 को मैं एक साथ लेता हूं और इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो R+2 × 42 CR+2। ठीक है, -1 को इससे मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आपके पास बचा रह जाएगा, ऐसा कर दिया मैंने, ठीक है, -42 CR+2। ठीक है, R=, फिर से वही बात है, 0 से लेके 39, ठीक है, 39 ये आपके पास टर्म्स आ गए। ठीक है, अब फिर से इनको लिखें 1/41 × 42, ये तो चलिए बाहर है, कोई दिक्कत नहीं है ना। समेशन, समेशन के अंदर वाली चीज, अब देखिए आप R+2 और यही R+2 यहां भी है, ऐसे में क्या होता है? अपर सब्सक्रिप्ट आपकी सामने आ जाती है, सामने आ गई, और जो बची हुई टर्म है इसकी, उसमें एक एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है, तो 41 बचेगा और R+1 बचेगा। ठीक है इतनी बात। आर आपका खैर कहां से कहां तक था? 0 से 39 तक। तो आपने क्या किया, इस वाले पे आपने R=NCR वाली चीज अप्लाई करी कि ये दोनों सेम थे, तो अपर सब्सक्रिप्ट सामने और ऊपर नीचे से एक एक सब्ट्रैक्ट कर दिया, माइनस। उधर देखिए, उधर आपके पास समेशन, यहां पे तो सब आसान है कहानी, CR+2 R=0 से 39 ऐसा ही लिखा हुआ था। ठीक है, ये 42 मैं चाहूं तो बाहर निकाल सकता हूं। ठीक है, तो मैंने निकाल लिया 1/41 × 42 और यहां मैंने 42 लिख दिया इंटू समेशन। समेशन के अंदर टर्म क्या बनेगी? समेशन के साथ टर्म बनेगी पहली टर्म R=0 के करेस्पॉन्डिंग, मतलब 41 C1, 1 के करेस्पॉन्डिंग 41 C2, R=39 के करेस्पॉन्डिंग 41 C40। ठीक है, माइनस देखिए आप, माइनस में आपके पास क्या टर्म आएगी, है ना, ये तो ये लिखा हुआ है, और बाकी इधर देखें आप R=0 के करेस्पॉन्डिंग देखोगे तो पहली टर्म आपकी बन रही है 42 C2, फिर आ रहा है 42 C3, अब टू कहां तक आ रहा है आपका? 42 C41 आ रहा है कि नहीं? ये बन गया।
तो आप क्या कर सकते हो, इसको लिख सकते हो 42, इसको आप लिख देते 2^41, लेकिन कमी किसकी किसकी बढ़ गई, 41c 0 भी नहीं है और 41c 41 भी नहीं है, तो 41c 0 ठीक है और 41c 41 यही होंगे ना। माइनस यहां पे देखो ये वाली टर्म को आप क्या लिख देते, इस टर्म को आप लिख देते 2^42 लिख देते, लेकिन क्या नहीं है इसमें आपका 42c 0 नहीं है, है ना, सी 1 नहीं है और 42c 42 ही नहीं है, तो क्या क्या नहीं है लिख लो, 42c 0 नहीं है ठीक है, 42c 1 नहीं है, ओके 42c 42 भी नहीं है ठीक है। तो ये आपका क्लब के होकर कितना बनेगा, 42 इंटू 2^41 माइनस 2 माइनस ठीक है, यहां पे आपका 2^42 माइनस, इसमें देखो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 लिखा हुआ है 2 और प्लस ये 42 मतलब 44 ठीक है, और ये चीज तो आपकी आती ही रहेगी 1/41 42, तो दिस होल थिंग डिवाइडेड बाय 41 into 42 दैट विल बी आवर आंसर ठीक है। नेक्स्ट आपके पास ये क्वेश्चन है ठीक है, इसको आप ट्राई कीजिए खुद से ठीक है। सबसे पहले मैं समेशन लिखता हूँ, समेशन फॉर्म में क्या लिखा जाएगा, 32 CR/R+1 and R+2। R कहाँ से कहाँ तक वेरी कर रहा है, तो R आपका स्टार्ट हो रहा है 0 से और ऑफ कोर्स ऐसे बढ़ते बढ़ते कहाँ तक जाएगा, 32 तक जाएगा ठीक है। तो अब देखिए यहाँ पे टर्म क्या बनी आपकी, आपको दिख रहा है 32 CR/R+1 प्रेजेंट है, तो अपन क्या करेंगे इतने पोर्शन पे वर्क करते हैं ठीक है। तो समेशन ओवर R इक्वल टू 0 से 32, आपके पास ये 33 CR+1/33 हो जाएगा ठीक है, और R प्लस टू आपका एक और चीज बचा हुआ है ठीक है। तो 1/33 को तो मैं कांस्टेंट बना के बाहर ले लेता हूं, और यहां पे देखिए R प्लस टू लिखा हुआ था, R प्लस वन में एक ऐड करोगे तो यहां पहुंच जाओगे, तो ऐसे में आप क्या यूज कर सकते हो कि दिस थिंग इज अगेन इक्वल टू 1/33 ठीक है। अब आसान हो गया क्वेश्चन, यहां हमें कुछ पिछले क्वेश्चन में था एक R प्लस वन हमें मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ रहा था, ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा, और यहां सिंपल क्या हो गया, अब आप देखो फिर से ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ना, तो आपके पास ऊपर एक एक ऐड कर दो, तो 34 CR+2 और अपर सबस्क्रिप्ट को ही नीचे लग देना है ठीक है, R इक्वल टू 0 से लेकर के 32 तक ठीक है। तो 34 भी आपका कांस्टेंट बाहर निकल आया, 1/33 into 34 बाहर निकल आया, बचा आपके पास R इक्वल टू 0 से 32 34 CR+2। अब जरा देखो ये क्या क्या टर्म्स कवर कर रहा है, क्या छूट जा रहा है, तो 1/33 into 34 आपके पास ये स्टार्टिंग से कवर कर रहा है 34C2 से, है ना, 34C2 प्लस 34C3 और ऐसे करते हुए लास्ट में कहां तक जा रहा है, जब R इक्वल टू 32 रख रहे हो तो 34C34 बना दे रहा है ठीक है। तो आप देखो अगर सारे टर्म्स प्रेजेंट रहते तो लिखते क्या, 2^34 सारे टर्म्स प्रेजेंट रहते तो 2^34 क्या नहीं है, 34C0 और 34C1, तो 34C0 और 34C1 इन दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कर दिया, 34 और ये 1 35, तो आंसर इज 2^34 - 35/33 into 34 ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आपके पास एक क्वेश्चन है ठीक है, इसको अगर अपन समेशन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करें, आप ट्राई करो, थोड़ा कैलकुलेटिव है, पेशेंस रखो, आंसर तक पहुंचोगे ठीक है, इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन कम से कम टाइप 1 और 2 से रिलेटेड नहीं बनेगा ठीक है, तो आप इसको ट्राई कीजिए खुद से ठीक। तो देखिए यहाँ पे अगर आप समेशन के फॉर्म में लिखे तो आपको दिख रहा है अंटिल रेट पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह भी ठीक है। तो खैर पहले अपन शुरुआत करते हैं 17C R से, तो आपको नीचे दिखेगा R+1 R+2 और R+3 तीनों प्रेजेंट है, R कहां से शुरू हो रहा है आपका 0 से, है ना, कहां तक जाएगा 17 तक जाएगा ठीक है, 4 की पावर भी है वेरी कर रही है, तो 4 इधर लिख लेता है ना, 4^4 देखो कैसा चल रहा है 5 7 9, तो 2 की एक एपी चल रही है पावर्स में, 2 की एपी है तो आग बंद करके 2R लिख दिया। अब एडजस्टमेंट की बारी आ गई, जब R इक्वल टू 0 है तो 4 की पावर में 5 है, तो इसका मतलब 2 into 0 ही पहुंच पा रहे हैं हम, तो 5 और ऐड कर देंगे ठीक है, -1 की पावर भी है आपको एडजस्ट करनी है, तो -1 की पावर कैसे एडजस्ट करें, तो देखो R इक्वल टू आपने पहले ये लिख लिया ठीक, R इक्वल टू 0 पे देखो -1 की पावर 0 1 बना दे रही है, इसका मतलब पॉजिटिव ही है ना, R इक्वल टू 0 करस्पॉन्डिंग टर्म आपकी पॉजिटिव है,
यहां भी पॉजिटिव है, मतलब आपका काम हो गया। ठीक है, तो समेशन आपने लिख लिया। अब आपको दिखा क्या कि ये सब चीजें कैसी कैसी लिखी है, 17 CR अपॉन R प्लस 1 इनको क्लब किया जा सकता है। तो पहले आपने इसको क्लब किया, इसको क्लब करोगे तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा R इक्वल टू 0 से 17 CR अपॉन R प्लस 1 का मतलब हुआ 18 CR प्लस 1 अपॉन 18। ठीक है, तो 1 अपॉन 18 मैं बाहर निकाल लेता हूं, R प्लस 2 और R प्लस 3 अभी भी बचे हुए हैं, ठीक है। अब देखिए आप 18 CR प्लस 1 अपॉन R प्लस 2, तो अब इसमें आप 1 ऐड करोगे तो यहां तक पहुंचोगे, तो आपका क्या होगा, थोड़ा सा उर्दू लिख लें इस साइड में, है ना, 1 अपॉन 18 समेशन ओवर R इक्वल टू 0 से 17, इसको कवर करते हैं 18 CR प्लस 1 अपॉन R प्लस 2, तो क्या होगा, अब फिर से वही चीज है, 1 का गैप है तो जो न्यूमरेटर है उसमें दोनों लोअर और अपर सबस्क्रिप्ट दोनों 1-1 इंक्रीज कर जाएंगे, बना लेंगे 19 CR प्लस 2 अपॉन 19, R प्लस 3 आपका और है डिनोमिनेटर में, ठीक है, माइनस 1 की पावर R और 4 रेज टू पावर 2R प्लस 5, ये तो लिखा हुआ है, इतने तक पहुंचे, ठीक है, तो ये 19 भी आपका बाहर निकल गया, 1 अपॉन 18 और इंटू 19 भी इधर ही आ गया, ये R प्लस 3 थोड़ा बीच में लिख लेते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये चीज आपकी इसमें बन गई, ठीक है। अब देखिए, अब फिर से आपको दिख रहा है R प्लस 2 और R प्लस 3, फिर से एक का ही गैप है, तो अगर एक का ही गैप है तो फिर से अपन क्या करें, अपर और लोअर सबस्क्रिप्ट में 1-1 जोड़ दें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस थिंग इज अगेन 1 अपॉन 18, 19 तो पहले से थे, ठीक है, R इक्वल टू 0 से 17 ऊपर आप 1-1 ऐड कर दो, 20 सी आर प्लस 3 और नीचे 20, माइनस 1 की पावर R और 4 रेज टू पावर 2R प्लस 5, ये आपका एक्सप्रेशन बना, और यहां से भी आप देखें तो 20 आपका बाहर निकल जाएगा, सो दिस इज इक्वल टू 1 अपॉन 18 19 20, ठीक है। समेशन क्या लिखा हुआ है आपका, R इक्वल टू 0 से 17 20 सी आर प्लस 3, ठीक है, माइनस 1 की पावर में R और 4 की पावर में 2R प्लस 5, ठीक है। अब आपको क्या आता है, आपने कहा चलो टाइप 1 2 तो नहीं रचा, तो अब सिंपल बाइनोमियल बनाना पड़ेगा, तो सिंपल बाइनोमियल कैसे बनाएंगे, तो देखिए R प्लस 3 यहां पे है, आपको किसी चीज की पावर में क्या चाहिए, R प्लस 3 चाहिए, माइनस 1 की ज्यादा चिंता मत करो, वो तो हो जाएगा, ये जो टर्म है इसकी पावर में, मतलब जरूरी नहीं है 4, आपको कैसे भी करके ऐसा कुछ बनाना है ना कि 20 सी आर प्लस 3 रहे और कुछ है कोई एक डब्बा और उसके पावर में भी R प्लस 3 लिखा हुआ है, तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो, हाँ कैसे, देखो 1 अपॉन 18 19 20 R इक्वल टू 0 से 17 माइनस 1 की पावर R और इनटू इसको लिख लो आप, देखो अगर मैं 4 स्क्वायर की पावर R प्लस 3 लिखूं तो 4 की पावर 2R प्लस 6 तो कवर हो गई, लेकिन एक दिक्कत हो गई, हमारे पास 5 ही था, तो अपन क्या करें 4 से डिवाइड कर ले, ठीक है ना, अब 4 की पावर 2R प्लस 5 ही लिखा हुआ है ना, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 बाई 4 आप बाहर निकाल सकते हो, एक 1 बाई 4 भी आपने लगा दिया, हो गया कि नहीं, अच्छा अभी अभी आपने कहा अभी इसका भी बचा हुआ, तो इसमें तो कुछ नहीं यार, माइनस 1 की पावर R है तो आप इसमें माइनस 1 की पावर 3 और मल्टीप्लाई कर दो, तो माइनस 1 की पावर 3 आपने मल्टीप्लाई किया तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तो सिंपल सी बात है माइनस 1 की पावर 3 आपने डिवाइड कर दिया, मतलब माइनस 1 से आपने डिवाइड किया, माइनस 1 की पावर 3 को आप बाहर निकाल लो विच इज माइनस 1, बस अब देखो आपका सब जुगाड़ हो गया कि नहीं, तो ये बन गया आपका माइनस 1 अपॉन 4 इंटू 18 19 20 समेशन R इज इक्वल टू 0 से 17 ये 16 था और इंटू माइनस 1 तो 20 सी आर प्लस 3, ठीक है, माइनस 1 और 16 माइनस 16 रेज टू पावर R प्लस 3, ठीक है, ओके, तो आप देखिए आप देख सकते हो ये R प्लस 3 है ये भी R प्लस 3 है, तो अपन क्या लिखें एन सी आर एक्स की पावर R, इस तरीके का बन गया ना, तो अब आप इसको क्या लिख सकते हैं
1 माइनस 16 की पावर में 20 लिख सकते हैं, लेकिन अभी देखना पड़ेगा कि बाकी चीजें आपके पास आ रही हैं, सारी टर्म्स अवेलेबल हैं कि नहीं है। तो चलो खैर उसको हम बाद में समेशन देखेंगे, पहले ये भी हम एक बार को लिख ही लेते हैं। तो माइनस वन अपॉन फोर 18 19 20 और इनटू ये आपका बनता, लेकिन क्या सारी टर्म्स अवेलेबल है, तो आइए देखते हैं। आपकी पहली टर्म क्या बन रही है, 20C3 से बन रही है, जा कहां तक रही है, तो R इक्वल टू 17 के करेस्पॉन्डिंग 20C20 तक जा रही है। तो कौन सी नहीं बनी, 20C1 वाली टर्म नहीं बनी, 20C0 नहीं बना, 20C2 नहीं बना, ठीक है। आपकी पहली टर्म कितनी क्रिएट हो रही है, 20C3, तो जो नहीं बना उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट किया, ठीक है, क्या क्या होगा वहां पे, मतलब आप कह लो 20C0 वाली टर्म, तो जब 20C0 लगाओगे तो माइनस 16 की पावर में भी 0 ही लगाना पड़ेगा, ठीक है, यहां पे 0 तो यहां भी 0, सिंपल सी बात है। फिर माइनस और क्या नहीं बना, 20C1 माइनस 16 की पावर 1 और माइनस 20C2 माइनस 16 की पावर में 2, ठीक है, 20C2 और माइनस 16 की पावर में 2, ठीक है। तो क्या बना, 1 माइनस 16 की पावर 20 हो सकता था, लेकिन क्या क्या टर्म्स अवेलेबल नहीं थी, तो जब यहां पे 0 हो जाए वो नहीं बन पा रहा था, 1 हो जाए और 2 हो जाए, ये तीनों टर्म्स नहीं बन रहे थे, वो तीनों टर्म्स हमने इस तरीके से लिख लिए, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसको चाहिए आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा करके लिख लीजिए, ठीक है। तो मैक्सिमम आपके पास इसी तरीके के कॉम्प्लिकेटेड थोड़े से अगर कैलकुलेटिव भी आते हैं तो इतने ही कैलकुलेटिव हो सकते हैं, इससे ज्यादा आपको कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। थोड़ा सा इस वाले एडजस्टमेंट पे ध्यान दीजिएगा, इस तरीके इसको कैसे हम लोअर सब्सक्रिप्ट के टर्म्स को ले आ पा रहे हैं पावर में, ठीक है। तो ये हमने मेथड्स ऐसे वाले सॉल्व कर लिए हैं जो कि हमारे एनसीआर अपॉन आर प्लस वन के यूज से हो जाते थे। अब अपन देखते हैं इंटीग्रेशन वाली चीज, ठीक है, किसको कहां तक पढ़ना है, इलेवेंथ और रिपीटर्स उनको मैंने आपको बता ही दिया है, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेशन मेथड का यूज इस टाइप के क्वेश्चंस के लिए। तो ये हमारा क्वेश्चन है, ठीक है, इसमें सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूं कि इसमें आपको इंटीग्रेशन ही क्यों अप्लाई करना चाहिए। आप देखो अभी तक तो ये होता था ना कि भाई NC0 तो नीचे 1 लिखा था, 2 लिखा था, है ना, 3 भी लिखा होता तो भी हम 1 और 2 मल्टीप्लाई डिवाइड करके काम चला लेते, है ना, मतलब NCR अपॉन R प्लस 3 लिखा होता था, ठीक है, NCR अपॉन R प्लस 2, NCR अपॉन R प्लस 1, ये सब तक चल जाता। लेकिन यहां पे देखो NCR अपॉन N प्लस R समेशन के फॉर्म में लिखे हैं, तो क्या लिख दोगे, NCR अपॉन N प्लस R, ठीक है, ये इसका अगर समेशन लिखो कैसे लिखोगे, माइनस 1 की पावर R NCR अपॉन N प्लस R, यही लिखोगे कि नहीं होगा, R इक्वल टू 0 से, तो बात फंस गई कि भाई अब हम कितनी चीजें इसमें मल्टीप्लाई डिवाइड करते रहे, वो तो फिजिबल ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे केस में आपको इंटीग्रेशन की हेल्प लेनी चाहिए, ठीक। देखिए थोड़ा सा रफ स्पेस अपन बना लेते हैं, ठीक है। देखिए अब आप ये बार बार अपन थोड़ा सा क्लू लेते रहेंगे उस रफ स्पेस में से कि हमें करना क्या चाहिए अगले स्टेप में, ठीक है। तो आप सबसे पहले सोचो कि ये किसके एक्सपेंशन से जनरेट होता होगा, है ना, तो मतलब अल्टरनेट पॉजिटिव नेगेटिव साइन कहां से आता है, तो 1 माइनस एक्स से आता है। तो हमने कहा कि 1 माइनस एक्स की पावर एन, ठीक है, कितना हुआ, एन सी जीरो माइनस एन सी वन एक्स प्लस एन सी टू इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एन सी थ्री एक्स क्यूब, है ना, ऐसे करके चीजें चलती रहेंगी, ठीक है, ओके, ठीक। अब आप देखो क्या कर सकते हो, आपको दिखा कि यहां पे आपको डिनोमिनेटर में चाहिए कितना एन, तो n कैसे आएगा, अब ये थोड़ा सा सोचना है, ठीक है, कैसे आएगा, तो आप देखो x की पावर अगर आप n माइनस 1 से इन टर्म्स को मल्टीप्लाई कर देते हो, ठीक है, n x की पावर n माइनस 1 से आप दोनों साइड मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो बनेगा क्या, एन सी जीरो इंटू एक्स की पावर n माइनस 1, क्यों मेरे दिमाग में x की पावर n माइनस 1 आया, थोड़ा सोचो इसको, एन सी जीरो अपॉन n है ना, एन सी जीरो अपॉन n है, तो मुझे ये स्ट्राइक किया कि एन सी जीरो तो चलो कांस्टेंट है, इसको तो क्या ही फर्क पड़ता है, ठीक है, लेकिन अगर मैं x की पावर n माइनस 1 का इंटीग्रेशन करूं तो x की पावर n माइनस 1 के इंटीग्रेशन से डिनोमिनेटर कितना जनरेट होगा, x की पावर n जनरेट होगा, ठीक है, x की पावर x की पावर n माइनस 1 से आपको क्या जनरेट होगा, x की पावर n अपॉन n, ऐसा जनरेट होगा। तो डिनोमिनेटर में n ले आने के लिए
पॉसिबिलिटी ये थी कि आप इसका इंटीग्रेशन कर दो, ठीक है। और एक और चीज ऑब्जर्व हुई कि भाई अगर मैं x की पावर n माइनस वन से इसको मल्टीप्लाई करता हूं तो इसका मतलब आपकी टर्म बन जाएगी x की पावर n, और जब आप इसका इंटीग्रेशन करोगे तो डिनोमिनेटर क्या क्रिएट होगा, n प्लस वन, ठीक है, वही चाहिए। तो ये चीज हमें सबसे पहले ऑब्जर्व हुई। ऐसे में अपन क्या कर सकते हैं, x की पावर n माइनस वन से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो देखिए 1 माइनस x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस वन, तो दिस गिव्स यू एन सी जीरो x की पावर n माइनस वन माइनस वन एन सी वन एक्स की पावर एन, एन सी टू एक्स की पावर एन प्लस वन माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर एन प्लस टू एंड सो ऑन, ठीक है। जब इंटीग्रेट किया तो क्या बना, इधर आप अभी लिखी दो, वन माइनस एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस वन डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, इधर इंटीग्रेशन करो अलग अलग टर्म्स का, सिंपल सिंपल इंटीग्रेशन, एन सी जीरो तो कॉन्स्टेंट है रहेगा, इसका इंटीग्रेशन आपने किया एक्स की पावर एन अपॉन एन, फिर एन सी वन x की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, ठीक है। ऐसी टर्म्स आपके पास बनती गई, एन सी थ्री अपॉन x की पावर n प्लस थ्री अपॉन n प्लस थ्री, यही सब चाहिए थी ना आपको, डिनोमिनेटर आपका क्रिएट हुआ। अब ये x का एक लफड़ा है, x को कैसे हटाएं, ठीक है, इधर के इन टर्म्स का इंटीग्रेशन मैंने लिख दिया है, ठीक। अब आप थोड़ा देर सोचो, ठीक है, अब अगर आप इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो, ठीक है, अगर 11th में कोई बच्चा ऐसा भी है जिसको ये बात नहीं समझ में आती है तो आप यहां से स्किप कर सकते हो, ठीक है, फिर भी एक बार ट्राई करो इस चीज को समझने का, ठीक है। क्या है कि आप जब इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते हो तो आपको बताया गया होगा कि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन करते टाइम पे आपका जो टर्म है, ठीक है, एक इंटीग्रेशन कॉन्स्टेंट अपीयर होता है साथ में, जिसको प्लस सी लिख देते हो। तो अगर बताओ मैं इसको मतलब इसका मैं सम करूं, और वो तो कुछ फिक्स वैल्यू होगी ना, ऐसा थोड़ी ना होगा कि प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट वो इंटीग्रेशन कांस्टेंट वेरी कुछ भी है, कभी वन टू थ्री रखते गए कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह हम कोई भी आर्बिट्रेरी वैल्यू रख सकते हैं, है ना। तो आर्बिट्रेरी वैल्यू अगर हम इंटीग्रेशन कांस्टेंट की जगह रख सकते हैं तो ऐसा थोड़ी ना है कि अपनी मर्जी से इसका आंसर लिखने लगेंगे, इसका आंसर तो फिक्स ही होगा। तो इंटीग्रेशन कांस्टेंट अपन अवॉइड करेंगे, मतलब हमें क्या करना होगा, इंटीग्रेशन तो करना होगा लेकिन कौन सा वाला, डेफिनेट वाला, डेफिनेट इंटीग्रेशन आपको करना होगा, ठीक है। तो आपने ये इंटीग्रेशन तो किया है लेकिन वो विद लिमिट्स करना चाहिए, कोई एक लिमिट लगा करके, ठीक है, डेफिनेट इंटीग्रेशन करना होगा जिससे आप रिजल्ट तक पहुंच सकेंगे, ठीक है। तो आपके दिमाग में अगली चीज क्या स्ट्राइक करी, देखो मैं चाहता हूं यहां a यहां b, ठीक है, क्या करूंगा मैं a टू b, एक बार b रखूंगा अपर लिमिट कुछ टर्म बनेगी, माइनस फिर a रखूंगा कुछ टर्म बनेगी, दोनों का डिफरेंस, दैट शुड बी आवर आंसर। अब x को हटाना है, सोचो x को कैसे हटाएं कि ये वाली चीज आपकी क्रिएट हो जाए। x को हटाने के लिए क्या करें, अगर x 1 हो तो हमें सबसे सुकून है कि x अगर 1 हो जाए तो कोई टेंशन ही नहीं भाई, सब कुछ बन गया अपना जो भी चाहिए था, ठीक है। तो x इक्वल टू मतलब अगर यहां पे 1 रखा जाए तो आपकी ये चीज बन करके आ जा रही है। तो अगर हम इस b को, है ना, इस b को अगर हम 1 रख दें और लोअर लिमिट को मैं 0 रखूं, मतलब यहां 0 से 1 के बीच इंटीग्रेशन करूं, तो 0 से 1 के बीच इंटीग्रेशन करने पे देखो क्या बनेगा, जब आप 1 रखोगे तो कितना आ गया, nc 0 1 की पावर n अपॉन n, nc 1 अपॉन n प्लस 1, nc 2 अपॉन n प्लस 2, है ना, माइनस nc 3 अपॉन n प्लस 3, ठीक है, ऐसे करके टर्म्स आती जाएंगी। 0 रखोगे तो x को 0 रखा तो सब खत्म, हमें वैसे भी नहीं कुछ चाहिए था इसके अलावा। तो आपकी ये टर्म क्रिएट हो सकती है कैसे, जब आप 0 से 1 के बीच इसको इंटीग्रेट करो। अगर यहां पे आपको 2 की पावर n प्लस 1, 3 की पावर n प्लस 2 की पावर n प्लस 2, 2 की पावर n प्लस 3 ऐसी चीजें चाहिए होती, ठीक है, मतलब यहां पे आपके पास अगर होता nc 2 के साथ मान लो होता तुम्हारे पास 2 की पावर n प्लस 2, तो क्या करते, x को 2 रखने में भलाई थी अपनी, ठीक है। तो तब हम लिमिट्स जैसे यहां 0 से 1 रखे हैं वहां 0 से 2 रख लेते, ठीक है। तो यहां पे तो कुछ नहीं है, यहां पे हम 0 से 1 के बीच इसको इंटीग्रेट कर रहे हैं और इंटीग्रेट करने से ये रिजल्ट आ रहा है, ठीक है। तो आपके पास मतलब क्या हुआ कि ये पूरा एक्सप्रेशन इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 से 1 1 माइनस एक्स की पावर एन इंटू एक्स की पावर एन माइनस 1 डीएक्स, ये बात ठीक है। अब आपको इसको कैलकुलेट करना था, इसको कैलकुलेशन करिए, तो इसकी कैलकुलेशन 11th वाले लोग बिल्कुल ध्यान भी मत दें, ठीक है,
इसकी कैलकुलेशन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, रिपीटर्स को भी मैं 13 बैच को भी मैं एक बार को एक दो लाइनों में ही केवल समझाऊंगा, आगे आप इंटीग्रेशन कर सकते हो। क्या है, एक्स की जगह अगर आप साइन स्क्वायर थीटा वगैरह रख देते हो, ठीक है, एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा वगैरह रख देते हो, तो उससे ये वॉलीज फॉर्मूला के फॉर्म में आ जाएगा, साइन की पावर एम थीटा इंटू कॉस की पावर एन थीटा वाला इंटीग्रेशन इन बिटवीन 0 टू पाई बाई 2 वॉलीज फॉर्मूला बन जाएगा। और वॉलीज फॉर्मूला से अब आप इसका आसानी से आंसर लिख सकते थे, ठीक है। तो आपके लिए यही करना है, x की जगह साइन स्क्वायर थीटा रख देना है, साइन स्क्वायर थीटा आप रखोगे तो पूरे टर्म साइन और कॉस में बदल जाएंगे, साइन की कुछ पावर इंटू कॉस की कुछ पावर, 0 से पाई बाई 2 आपकी लिमिट्स हो जाएंगी, और ऐसे में आप कह सकते हो कि वॉलीज फॉर्मूला एप्लीकेबल होगा, उसके अकॉर्डिंग आप आंसर कर सकते हो, ठीक है। एक क्वेश्चन और हम समझते हैं इसी तरीके का, ठीक है। इसमें आपको ये चीज दो तीन चीजों का ध्यान रखना है, पहली कि आपको पहले तो एक्सप्रेशन देख के समझ में आना चाहिए कि भाई ये इंटीग्रेशन से ही सॉल्व होगा और कोई तरीका नहीं है मेरे पास, ठीक है। फिर दूसरी चीज क्या समझ में आनी चाहिए कि किस टर्म से मल्टीप्लीकेशन करूं जिसके बाद इंटीग्रेट करने पे मेरे पास वो सारी टर्म्स जनरेट हो जाए जो मुझे चाहिए, तो उसका आइडिया कौन देगा, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में क्या ले आना है, ठीक है, उससे एक कम पावर का अगर आप इंटीग्रेशन करोगे तो डिनोमिनेटर क्रिएट हो जाएगा। जैसे अगर n प्लस टू ले आना है, अगर ऊपर में x की पावर n प्लस वन रहे तो उसके इंटीग्रेशन से n प्लस टू डिनोमिनेटर क्रिएट होगा, तो यहां पे आपको x की पावर n प्लस वन का टर्म चाहिए, ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। यहां n प्लस थ्री है, तो n प्लस थ्री का मतलब क्या है, n प्लस थ्री का मतलब है कि जब आप n प्लस थ्री अगर आप डिनोमिनेटर में लाना चाहते हैं तो कैसे ले आएंगे, जब आप x की पावर n प्लस टू का इंटीग्रेशन करेंगे तो दैट मींस कि आप nc3 के साथ x की पावर n प्लस टू का इंटीग्रेशन करो, तब आप अपने रिक्वायर्ड गोल तक पहुंचोगे, ठीक। तो ये एक पार्ट रहा, और लास्ट में लिमिट्स, लिमिट्स आपको एक्सप्रेशन में फाइनली चाहिए क्या उसके अकॉर्डिंग रखनी है। तो जब यहां पे मैंने 1 रखा है क्योंकि मेरे पास ऐसे 2 की पावर समथिंग ऐसी कोई चीज नहीं थी, कभी यहां पे रह जाए कि 4 की पावर, जैसे देखो nc1 के साथ अगर 4 की पावर n प्लस 1 रहता, यहां 4 की पावर n प्लस 2, 4 की पावर n प्लस 3, तो हम 0 से 4 में इंटीग्रेट करते, ठीक है। तो ये चीजें आपको ओवरऑल ऑब्जर्व करनी है इस मेथड के अंदर। एक और क्वेश्चन हम लेते हैं इस टाइप का, तो नेक्स्ट एक और ये क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है, इसको एक बार को आप सोचो कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसमें आप क्या कर सकते हो, इसको आप ऐसे देख सकते हो, nc0 अगर इसको 1 अपॉन n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 देखूं मैं, तो इसका मतलब क्या है 1 अपॉन n प्लस 2 n प्लस 3 का, कि इसको मैं दो पार्ट्स में ब्रेक कर सकता हूं ना ऐसे, ठीक है। nc1 के साथ देखूं तो 1 अपॉन n प्लस 3 माइनस n प्लस 4, ये तो क्लियर है ना भाई कि ये इंटीग्रेशन से ही होगा, ये तो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। कितना कितना गैप है, 2 है और ये पता नहीं क्या ही है ना, तो इन सब ये सब तो उसी से सॉल्व होगा। माइनस सॉरी प्लस nc2 और यहाँ पे 1 प्लस 1 अपॉन n प्लस 4 माइनस 1 अपॉन n प्लस 5, और ये सारी आपके पास टर्म्स लिखी हुई है, ठीक है। ऐसे में आप देखिए क्या करेंगे, ठीक, आप देखिए आपके पास पहली पहली टर्म्स को अगर आप क्लब कर लो तो nc0 अपॉन n प्लस 2 माइनस nc1 अपॉन n प्लस 3, ठीक है, प्लस nc2 अपॉन n प्लस 4, ठीक है, ये आगे आएगा माइनस nc3 अपॉन n प्लस 5, है ना, इस तरीके की टर्म्स आपके पास होंगी। और दूसरे टर्म्स को अगर आप क्लब कर लो तो nc0 अपॉन n प्लस 3, nc0 अपॉन n प्लस 3, यहां से आपके पास nc1 अपॉन n प्लस 4, ठीक है, nc2 अपॉन n प्लस 5 एंड सो ऑन, ठीक है। अब आप देखिए ये वाली टर्म्स ले आने के लिए क्या करना चाहिए आपको, तो आप फिर से याद करो 1 माइनस x की पावर n के मतलब एक्सपेंशन को, तो इसका एक्सपेंशन क्या आता है, nc0 माइनस nc1x प्लस nc2x स्क्वायर माइनस nc3x क्यूब, और ये सारी आपकी टर्म्स लगी रहेंगी, ठीक है। अब देखिए आप, अगर आप x की पावर n प्लस मतलब सॉरी पहले आप ऐसे समझो, n प्लस 2 अगर आप चाहते हो डिनोमिनेटर में, तो आपको कैसे ले आना होगा, x की पावर n प्लस 1 से, क्योंकि x की पावर n प्लस 1 का अगर मैं रफ पार्ट में इंटीग्रेशन करूं तो मुझे मिलेगा x की पावर n प्लस 2 अपॉन n प्लस 2, ठीक है, और n प्लस 2 मेरा डिनोमिनेटर क्रिएट करेगा। तो यहां से मुझे सिग्निफिकेंस लगा कि x की पावर n प्लस 1 से मल्टीप्लाई करना मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो x की पावर n प्लस 1 1 माइनस x की पावर n इज इक्वल टू nc0,
x की पावर n प्लस वन माइनस एन सी वन इंटू एक्स की पावर n प्लस टू, ठीक है, प्लस एन सी टू एक्स की पावर n प्लस थ्री, है ना, ठीक है, ये सारी टर्म्स आपकी बनती जाएंगी, है ना, माइनस एन सी थ्री एक्स की पावर n प्लस फोर एंड सो ऑन। जब आप इंटीग्रेशन करोगे जीरो से वन के बीच x की पावर n प्लस वन, वन माइनस एक्स की पावर n, तो ये आपका बना देगा एन सी जीरो अपॉन एन प्लस टू, है ना, x की पावर n प्लस टू अपॉन n प्लस टू, माइनस एन सी वन अपॉन n प्लस थ्री, प्लस एन सी टू अपॉन n प्लस फोर, माइनस एन सी थ्री अपॉन n प्लस फाइव, ये चीजें आपकी बनती जाएंगी, ठीक है, और यही चीजें आपको चाहिए थी। तो ये तो हुआ इस पार्ट के लिए, ठीक है, इस पार्ट के लिए क्या होगा, तो जैसे आपने यहां पे n प्लस वन से मल्टीप्लाई किया है x की पावर n प्लस वन से, यहां n प्लस टू n प्लस थ्री n प्लस फोर बन गए हैं, यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, आपको डिनोमिनेटर में n प्लस थ्री चाहिए, वो कौन देगा, जब आप x की पावर n प्लस टू का इंटीग्रेशन करोगे, ठीक है, मतलब आपको x की पावर n प्लस टू से आपको मल्टीप्लाई करना होगा इसे, ठीक है, इसको x की पावर n प्लस टू से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब इंटीग्रेट करने पर यह चीज जनरेट होगी, ठीक है। तो अब आप देखो जीरो से वन एक्स की पावर एन प्लस टू वन माइनस एक्स की पावर एन, अगर ये करोगे तो आपको मिलेगा एन सी जीरो अपॉन एन प्लस थ्री माइनस एन सी वन अपॉन एन प्लस फोर एंड सो ऑन। तो डिफरेंस लिया, डिफरेंस आपका कितना हो जाएगा, ये डिस्टिंग माइनस डिस्टिंग जो चाहिए, ठीक है, इसके लिए आपने इधर भी डिफरेंस लिया, तो आंसर हो गया जीरो से वन, ठीक है, एक्स की पावर एन प्लस वन 1 माइनस एक्स की पावर n, और ये इतना 1 माइनस एक्स की पावर n माइनस एक्स की पावर n प्लस टू, ठीक है, 1 माइनस एक्स की पावर n। तो आपको समझ में आ रहा है कि यहां से 0 से 1, 1 माइनस एक्स की पावर n आपका कॉमन हो गया, x की पावर n प्लस 1 भी आपका कॉमन हो गया इनफैक्ट, ठीक है, x की पावर n प्लस 1 भी कॉमन हो गया और 1 माइनस एक्स भी कॉमन हो गया। अब फिर से आप चाहो तो वॉलीज फॉर्मूला से इसको इंटीग्रेट करके आंसर निकाल सकते हो, ठीक है, ठीक है बात आपकी। x की पावर n प्लस 1 माइनस x की पावर n प्लस 2, ये वाला पार्ट था आपका, आपको मतलब इसके आगे इंटीग्रेशन करना है, डायरेक्ट वॉली नहीं, ठीक है, इसके आगे का इंटीग्रेशन आप डेफिनेट इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते हो, ठीक है। तो आज का लेक्चर अपन यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में अपन टाइप टू को तो एंड कर चुके हैं, टाइप थ्री वगैरह की शुरुआत करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, टाइप थ्री और हो सका तो टाइप फोर भी अपन स्टार्ट तो कर ही लेंगे कम से कम, ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, थैंक यू ऑल।